वेलकम बैक दिस शिवानी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस वक्त स्टेट मेडिकल एकेडमी के बारे में अगर आप भी इस एकेडमी को चूज़ कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चन कि अगर आप भी इस वक्त स्टेट मेडिकल अकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हो बट लाइक like आपके माइंड में और भी यूनिवर्सिटी चल रही होगी सिर्फ ये यूनिवर्सिटी नहीं तो कॉमेंट me in the comment section so let's start the video yeah Izvek state medical academy was one of the best medical academy in russia academy was established by 1993 and located in the Izvek city the distance between moscow to is 1250 kilometers लाइक like, ये यूनिवर्सिटी आपकी थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस में है बट अगर यहाँ पे आप भी सोच रहे हो एडमिशन्स के लिए तो लाइक like, मॉस्को से थोड़ी डिस्टेंस में है बट आप इस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हो सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू विद कंप्लीटेड डिटेल्स इजवैक स्टेट मेडिकल अकेडमी ओवरव्यू इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी बाई यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर हॉस्टल की फैसिलिटी फ़ूड फैसिलिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इजवैक इस्टेट मेडिकल अकेडमी रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है मतलब लाइक like गवर्नमेंट है और यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है इस वक्त स्टेट मेडिकल एकेडमी में आपका कोर्स ड्यूरेशन फुल्ली सिक्स ईयर का होगा मेनली आपका जो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर होगा इसमें आपका सेवेंटी परसेंट थ्यूरी पार्टस और थर्टी परसेंट आपका क्लिनिकल रोटेशन होगा लाइक अगर आप लास्ट ईयर में जाओगे यूनो कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर में तो इसमें आपका सेवेंटी क्लिनिकल रोटेशन होगा और थर्टी आपकी थ्यूरी पार्ट्स होगी तो यू नो कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इसवैक स्टेट मेडिकल एकेडमी तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो सो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट रिव्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप भी इसवे स्टेट मेडिकल एकेडमी को चूज़ कर रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास सारे इंफॉर्मेशन होना चाहिए तो इजवैक स्टेट मेडिकल एकेडमी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो फ़र्स्ट क्राइटेरिया आपका मिनिमम एज जो है वो सेवनटीन ईयर्स होना चाहिए सेकेंड क्राइटेरिया आपका क्लास ट्वेल्थ में फ़िज़िक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी में फिफ्टी परसेंट होना चाहिए एंड आपका थर्ड क्राइटेरिया आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए जब भी आप इज स्टेट मेडिकल एकेडमी को चूज़ कर रहे हो तो आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करो यूनो you know कि अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपकी डिग्री ही नहीं वैलिड हो तो मोस्टली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप हमेशा अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद ही जाओ सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेकेंड रिव्यू बाईलिगवल अगर मैं इसकी बात करूँ तो इज्बे के स्टेट मेडिकल एकेडमी बाईलिग्वल यूनिवर्सिटी नहीं है लाइक like यहाँ पे आपके बुक आपके लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स ये सारे इंग्लिश में होंगे वहाँ पे आपको लोकल लोगों से बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है बट ऐसा नहीं है इस वक्त स्टेट मेडिकल एकेडमी में आपके जो भी सिक्स ईयर की कोर्स ड्यूरेशन है वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम होगी सो लेट्स सो लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड रिव्यू यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस वेक स्टेट मेडिकल एकेडमी, एम सी आई अप्रूव डब्ल्यू एच ओ लिस्टेड और ई सी एफ एम जी सर्टिस्फाइड यूनिवर्सिटी होगी इससे यह प्रूफ होता है कि आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हो बट इसके लिए आपको एक लाइसेंस एग्ज़ाम यू नो क्लियर करना होगा वो लाइसेंस एग्जाम आप क्लियर करोगे तो इंडिया में ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हो सो लेट्स टॉक अबाउट योर फोर्थ रिव्यू फी स्ट्रेक्चर अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वक स्टेट मेडिकल एकेडमी का फुल पैकेज एम बी की जो फ़ी होगी सिक्स ईयर की वो टोटल फ़ी आपकी यूनिवर्सिटी की ट्वेंटी लाख होगी इस यूनिवर्सिटी की फ़ी आपकी ट्वेंटी लाख होगी लाइक आपको इसे आ, अगर सेमी पैकेज में देना चाहोगे तो सेमी पैकेज में आप यहाँ पे टेन लाख पे कर सकते हो अदरवाइज़ ये भी ऑप्शन है आपके पास ईयरली अगर ईयरली वाइज जाना चाहो तो इयरली वाइज़ में आपका वहाँ पर थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड पड़ेगा यूनिवर्सिटी की फ़ी जो आपको रूबल में पे करनी है तो रूबल में आप पे करोगे यूनिवर्सिटी में तो रूबल में आपका थ्री लाख नाइन थाउजेंड के अप्रॉक्स यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी होगी जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी हॉस्टल मेडिकल इंश्योरेंस इंक्लूडेड होगी एंड अदरवाइज़ मैं बात करूँ तो और भी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होगी जैसे कि आपकी एडमिशन लेटर इनविटेशन लेटर वीज़ा एयर टिकट कॉलेजेस बैग मेडिकल कोड थीसीकोप सीन कार्ड हॉस्टल कार्ड ट्रैवलिंग कार्ड लाइब्रेरी कार्ड अकाउंट ओपनिंग यू नो कि ये सारी चीज़ें भी आपकी इसी में इंक्लूडेड होगी तो आप सोच सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी ज़्यादा पैकेज की नहीं है और आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है कि आपको जैसे भी पे करना है आप वैसे पे कर सकते हो तो दोनों ऑप्शनस अवेलेबल हैं एंड मुझे बहुत सारी ऐसी इंक्वायरी आती है कि लाइक मैम ये यूनिवर्सिटी ऐसी है बट मैम इस यूनिवर्सिटी में हमें वो सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो हम चाहते हैं तो देखो यू नो कि इस यूनिवर्सिटी में आपको किसी भी टाइप्स का प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो सो लेट्स टॉक अबाउट योर फिफ्थ रिव्यू इंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटी का कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है अगर और इंट्रेंस एग्जामिनेशन आपकी नहीं होती है तो आप ये मत सोचो कि अगर नहीं होती है तो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है यू you नो know, कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये माइंड लगा लेते हैं बट ऐसा कुछ भी नहीं है ये यूनिवर्सिटी में आपकी इंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होती है बट अगर मैं यहाँ के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करूँ तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंट्रेंस स्टूडेंट्स जो हैं वो जाना पसंद करते हैं क्योंकि मुझे इस यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत सारी इंक्वायरी ऐसे आ रही थी तो लाइक ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है सो लेट्स टॉक अबाउट योर नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं इसकी बात करूँ तो फ़ूड फूड हमारे माइंड में आता है तो फूड की अगर मैं बात करूँ तो फ़ूड वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है अगर आप फूड वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है बट वहाँ पे आप मेस ले सकते हो अगर मेस लेना चाहते हो तो ठीक है अदरवाइज वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको मेस लेना है तो आप मेस ले सकते हो नहीं तो आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि वहाँ पे आप खुद से कुकिंग कर सकते हो खुद से कुकिंग करोगे तो थोड़ी कम पड़ेगी अगर मेस लोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको पे करना होगा तो ऑप्शन आपके पास दोनों अवेलेबल है और आप इजिल सेलेक्ट कर सकते हो सो लेट्स टॉक अबाउट योर नेक्स्ट पॉइंट हॉस्टल अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपकी हॉस्टल्स की फ़ैसिलिटी काफ़ी अच्छी है आप कुछ पिक्चर्स वग़ैरह तो देख ही सकते हो हॉस्टल की एंड यहाँ पे वो सारी फैसिलिटी है अवेलेबल जो एक इंडियन स्टूडेंट्स को चाहिए तो लाइक यहाँ पे आपको इंडियंस स्टूडेंट्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे हॉस्टल्स आपको काफ़ी अच्छा मिल मिल जाता है एंड वहाँ पे आप आ, कुछ बाहर के पिक्चर्स वग़ैरह भी देख सकते हो यहाँ का लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है तो यहाँ पे वो सारी फ़ैसिलिटी है एंड हॉस्टल्स कार्ड भी आपको मिल जाते हैं एंड आपको फैसिलिटी के लिए एंड आपकी सेफ़्टी के लिए वॉचमैनस वगैरह अवेलेबल होते हैं लाइक मैंने आपको बताया अभी आपको हॉस्टल्स कार्ड प्रोवाइड होंगे तो यू नो कि वो सारी फ़ैसिलिटी भी अवेलेबल है तो इस यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हो लाइक आपके माइंड में और भी कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कॉल कर सकते हो मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे चैट कर सकते हो थैंक यू सो मच